जिले में लचर हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खंडार में तब्दील हुई बिल्डिंग। जिले में जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी है। तो वहीं निवास तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम बिझोली में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग खंडार में तब्दील हो गई है, जिसे लोगों ने भैंस का तबेला बना दिया है। ग्राम बिझोली में बनी उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर होने के साथ ग्राम सहित अन्य लोगों को इसका लाभ अब नहीं मिल पा रहा है। ग्राम सहित 4000 आबादी वाले पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहां मिल पाती थीं, जो अब नहीं मिल रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस एक उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तकरीबन 5 से 6 गांव आते हैं। वह बिल्डिंग के जर्जर होने के साथ साथ अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को निवास में मिलती हैं या उन्हें मुख्यालय जाना पड़ता है, जबकि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण के लिए आवेदन निवेदन कर मांग की गई। कई बार लोगों ने मांग की, परंतु आज तक उनकी यह मांग पूर्ण नहीं हो पाई है। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 2019 में स्वीकृति हो चुकी है, वह टेंडर भी हो गए हैं, परंतु जमीन का नाप करने के बाद भी निर्माण के लिए जगह कम पड़ गई, जिसके चलते आज तक भवन निर्माण नहीं हो पाया है। और जो भवन है वह भी जर्जर हालत में है, जहाँ पर लोग अपने मवेशी बांधते हैं। बता दें, निवास से आलेक तिवारी की यह रिपोर्ट। उप स्वास्थ्य केंद्र ना होने से जो है इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है कि समय पे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। मरीज को निवास तक पहुंचने में जो है तकलीफ होती है, पता चलता है कि आधे रास्ते तक भी मरीज पहुंचा और काम डल जाता है। मतलब तत्कालिक व्यवस्थाएं जो है हो नहीं पाती दूरी के कारण। रात का समय, रात में कोई तकलीफ हुई तो पहले जो है कहा है तत्काल में सुविधाएँ जो है मिल जाती थी, यहाँ से नर्स स्वयं यहीं पर रहती थी और पूरा उपचार जो है वो करती थी। आज जो है स्वास्थ्य केंद्र ना होने के कारण, खंडहर होने के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वालों भर को नहीं, सारे इलाके के लोगों को जो है असुविधाएं ज़्यादा हो रही हैं। तकलीफ में मरीज रहता है और समय पर जो है उपचार नहीं हो पाता उसका। ये 4-5 गांव जो हैं, कोहका, पौड़ी, अमगांव, बिझोली और भी अन्य जो लगे हुए ग्राम हैं, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिझोली से लाभान्वित थे। लोगों को गांव की सुविधा, इलाज की गांव में मिल जाती थी। वर्तमान में ये जो बिल्डिंग है जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है, ये शासन की अनदेखी के कारण है। और यहाँ पर हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग 40-45 वर्ष से यहाँ हैं, उसको पुनः उसका अस्पताल की नई बिल्डिंग बना करके और यहाँ स्वास्थ्य लाभ लोगों को दिया जाए। और विशेषकर महिलाओं के लिए तो, जो कि तत्काल में वो अपने गांव में ही जिनको इलाज मिलता था, नज़दीक अपने गांव के आसपास में इलाज जिनको मिलता था, वो इससे वंचित हैं। महिलाएं ज़्यादा इससे वंचित हैं और उनको ये अस्पताल अगर तत्काल इसकी नई बिल्डिंग बनाकर और यहाँ कर्मचारी, यहाँ अधिकारी यहाँ बैठा दिए जाएंगे तो लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा उससे। बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राम में इस तरह की बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, तत्काल अगर इसमें कार्रवाई नहीं की जाती तो शासन प्रशासन के खिलाफ ग्राम के लोग जो है आंदोलन का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोविड को जहां तक लेकर के बात कही है आपने, तो कोविड के लिए तो सारी जगह जो है वैक्सीनेशन होता है। टीम हमारी जो है रोज़ाना बिझोली ग्राम में संपर्क करती है, रहती है। वैक्सीनेशन डे होता है मंगलवार शुक्रवार के दिन, छोटे बच्चों का टीकाकरण करने भी वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। अब आपका रहा सवाल खंडार स्थिति में जो भवन है उसके लिए जो है भवन सैंक्शन हो गया है और जमीन जो है, जो पहले का भवन था वो कम जगह पर बना हुआ था, तो उसके लिए डिमांड आई है 70x60 की ज़मीन चाहिए उनको, जो हमारे द्वारा जो है मांग की गई है। तहसीलदार महोदय को लेटर लिखा गया है जिसमें जमीन आवंटन करने हेतु हमने उनसे अपील की है। और ऐसे दो भवन है हमारे, जो बिझोली का भवन है और भीकमपुर का भवन है, दोनों ही भवन सैंक्शन हो चुके हैं। जैसी ज़मीन आवंटित हो जाती है ना, कार्य को प्रारंभ करने की जो है हमारे तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनका ये कहना है सर कि उनको उस उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग की जर्जर होने के बाद से उनको स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी दूर जाके और काफ़ी मतलब दिन या रात हो, उनको एक उचित से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही सर, इस विषय में। नहीं, जहाँ तक सवाल रहा कि दूर जा कर के लेने की, तो बिझोली 5 किलोमीटर पे
बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर तो मरीज इवन बिछिया के भी आते हैं, बवलिया के भी आते हैं, और इस तरफ से पकड़ा जाए तो जुखार तक के मरीज हमारे पास आते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं हुई। जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल रहा तो दिन भर वहाँ पर कार्यकर्ता रहते हैं जिनसे संपर्क करके जो है इलाज किया जा सकता है। छोटी मोटी बीमारी के लिए आशा कार्यकर्ता हमारी उपलब्ध रहती है गाँव में, ठीक है, इसलिए सर्दी खांसी बुखार का इलाज ले सकते हैं। मंडला जिले की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें CCN मंडला। मनीष तिवारी व तकनीकी सहयोगी सत्येंद्र विजय के साथ।